हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो, जिसकी आपने काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट की थी। और ये जो स्पेशल वीडियो है वो मॉम्स के लिए और जो मॉम्स बनने वाले हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। सो दोस्तों, आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग कि मैं मनहीर के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए और वो सारे प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जो मनहीर डेली रूटीन में यूज करती है। दोस्तों, मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूं मनहीर के लिए वो है बमटम ब्रांड के, जो मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत ही अफोर्डेबल और बेबी फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आता है ये ऑसम सा प्रोडक्ट जो की है लग्जरी स्ट्रोलर। इतना लग्जरी एंड फीचर से भरा स्ट्रोलर सिर्फ 6000 के प्राइस में, गाइस दिस इज वेरी रीजनेबल। इतना कंफर्टेबल स्ट्रोलर है बेबीज के लिए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इट इज़ वंडरफुली पैडेड, इतना स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल ब्रेक्स है इसमें। आप स्ट्रोलर बाहर लेके जा रहे हो तो रास्ते में बम्प्स आ जाते हो तो काफ़ी सेफ रहता है बेबी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पैडेड स्ट्रोलर एंड गुड ब्रेकिंग मैकेनिज्म। एंड ऑल्सो इतना स्टाइलिश डिज़ाइन, इतनी यूटिलिटी, रिवर्सिबल हैंडल बार, 360 डिग्री व्हील्स, फूड ट्रे, यू नेम इट, और इसमें वो सब कुछ है। सो गाइज, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है बमटम छोटा भीम के वेट वाइप्स। वाइप्स हैं ये, हमेशा मैं अपने पास ही रखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। स्पेशली जब भी मैं मनहीर का डायपर चेंज करती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं वाइप से अच्छे से क्लीन करूँ, उसके बाद ही मैं मनहीर को डायपर पहनाऊँ। इवन दीज वाइप्स आर सेफ टू बी यूज बाय द एंटायर फैमिली। दीज मल्टीपर्पज वाइप से मैं मेकअप भी रिमूव कर लेती हूँ, फेस क्लीन कर लेती हूँ, हैंड्स अगर कभी साफ करने हो वो भी कर लेती हूँ। दीज वेट वाइप्स नॉट ओनली क्लीन बट मॉइस्चराइज योर स्किन एज वेल। सो गाइज, जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है बमटम बेबी बॉडी लोशन। तो ये जो बॉडी लोशन है ये मैं मोस्टली तब यूज़ करती हूँ जब मनहीर को शार दिला के लाती हूँ, तब उसकी पूरी बॉडी पे अप्लाई करती हूँ। क्योंकि बट ऑब्वियस है, शार दिलाने के बाद हमारी जो बॉडी होती है या बेबीज की जो बॉडी होती है वो ड्राई हो जाती है, तो मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी होता है बॉडी को। तो मैं अच्छे से उसकी बॉडी पे अप्लाई करती हूँ। जब मुझे कभी कभार फील होता है कि मनहीर के हाथ या पैर ड्राई हो रहे हैं तब मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट अपनी डॉक्टर की परमिशन के बाद मैंने लोशन लगाना स्टार्ट किया है मनहीर को। अगर आप लोग भी अपनी बेबी को अभी तक मॉइस्चराइज नहीं रखते हो या मॉइस्चराइजर या लोशन नहीं यूज़ करते हो तो आप अपने डॉक्टर से पहले पूछिए, उसके बाद ही आप अपने बच्चे पे अप्लाई करना प्लीज़। और आपको एक और चीज़ बताती हूँ, काइंड ऑफ सीक्रेट है कि जब भी मैं मेकअप या फाउंडेशन यूज़ करती हूँ ना तो मैं ये लोशन अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा लाइट है। मतलब फील ही नहीं होता कि आपने कोई भी लोशन अपनी बॉडी पे या फेस पे लगाया हुआ है, तो फाउंडेशन से पहले मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। इट प्रोवाइड्स जेंटल प्रोटेक्शन टू द बेबीज डेलिकेट स्किन, इट प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस एंड सूथ्स योर बेबीज ड्राई स्किन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूज। इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, पैराबेन एंड सल्फेट फ्री, ड्राई फ्री, नॉन ग्रीसी एंड हैज 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट। तो गाइस, जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है बमटम डायपर बैग। सो आप सबको पता है कि मैं अब मम्मा बन चुकी हूँ, मदर बन चुकी हूँ, तो मेरा जो हैंड बैग है वो अभी बेबी डायपर बैग में रिप्लेस हो चुका है। तो इसमें बमटम हैंड बैग ने मेरी बड़ी हेल्प की है। इसमें 13 कलर हैं जो सॉलिड कलर्स में आता है और लगता है ये एक डिजाइनर बैग है, और इसकी वजह से मुझे अब मेरी स्टाइल में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना पड़ता है। द बमटम डायपर बैग इज अ स्पेशियस मल्टीपर्पज बैग दैट कंटेन्स सेवरल पॉकेट्स टू विद होल्ड योर बेबीज एसेंशियल्स अलॉन्ग विद योर्स। The Bumtum diaper bag has 3 layered protection, has waterproof fabric. The highlighted feature includes a lot spacious pockets for convenient storage, wide main section, 3 insulated milk bottle pockets, anti-theft back pocket, easy front and back openings, a convenient keychain clip, D-rings for hands-free usability, and comfortable wide cushioned adjustable back straps to distribute the weight evenly. तो जो फिफ्थ प्रोडक्ट है वो है बमटम रैश क्रीम। वैसे तो रैश क्रीम मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ मनहीर के लिए, क्योंकि बहुत ही कम बाय गॉड ग्रेस मनहीर को रैश होते हैं। सो एक बार हुआ था यार, डायपर चेंज करने में थोड़ा सा डिले हो गया था, तो उसकी वजह से उसको रैश हो गए थे, तभी मैंने मनहीर को रैश क्रीम यूज़ की थी। वैसे तो मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ, डायपर बैग में एक रैश क्रीम रहेगी रहेगी, बट बहुत हार्डली ही यूज़ हुई है। तो आई मेक श्योर जब भी मैं मनहीर को डायपर चेंज करवाती हूँ तो मैं उसको डायपर फ्री टाइम ज़रूर देती हूँ, कभी कभार 15-20 मिनट, डिपेंड्स आपके पास टाइम कितना है, तो उस हिसाब से डायपर फ्री टाइम मैं मनहीर को देती हूँ।
बट ये जो रैश क्रीम है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब एक या दो अप्लाई में मनीर के जो रैशेस थे वो कम्प्लीटली ठीक हो गए थे, तो उसके बाद मुझे कभी यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद आई मेक श्योर कि डाइपर जो है टाइम टू टाइम चेंज हो जाए और मनीर को डाइपर फ्री टाइम दिया जाए। गाइस ये है मस्ट हैव प्रोडक्ट्स जो मैं अभी मनीर को यूज़ कर रही हूँ। सो अगर आप भी चाहते हैं इनमें से कोई भी प्रोडक्ट बाय करना, तो जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप जाना लिंक पे क्लिक करना और अपना मनपसंद जो प्रोडक्ट है वो बाय कर लेना। गाइस ये जो वीडियो है फिर मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में या व्लॉग में, तब तक बाय।